आमना किधर खड़ी हुई आप? मैं सोच रही हूँ कि क्या हम गैर मुतअल्लिका अफराद में से हैं या हम चले जाएं अंदर। ये तो डिपेंड करता है कि अंदर हो क्या रहा है। सो मुझे याद है हसन के रमज़ान में मैं यहाँ आई थी फहद मुस्तफ़ा का इंटरव्यू करने। वी बैक एट द एआरवाई स्टूडियो और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोकाफ के कोई 20 पहाड़ पार करके कराची की गलियों में से गुजरते हुए गाड़ी की रेड मारते हुए हम यहाँ पहुँच गए हैं। बात यह है कि आप लोग सारे सोच रहे होंगे कि आज मेरे पास तुम की जो फाइनल एपिसोड है वो क्यों ऑन एयर नहीं हुई, राइट? और उसकी वजह ये है, ये दरवाज़ा जिसके पीछे एक बड़ी मैजिकल सी दुनिया है, और इस मैजिकल दुनिया में कुछ मैजिकल से लोग हैं, कुछ मैजिकल सी हरकतें कर रहे हैं। आए अंदर चल के देखते हैं कि दरवाजे के पीछे क्या हो रहा है। दरवाजे के पीछे हो क्या रहा है? हसन सनसनी ना फैलाएं, चलें। लो जी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इस वक्त हम उस सेट पर मौजूद हैं जिस पे वैसे आम दिनों में जीतो पाकिस्तान शूट हो रहा था, लेकिन आज मेरे पास तुमो की एक स्पेशल एपिसोड शूट हो रही है। एब्सोल्युटली, और इसमें बहुत से होपफुली जो हमारे सवाल हैं उनके जवाब मिलेंगे। मेरा नहीं ख्याल मिलेंगे, अब तो फिनाले आने लगा तो अब उन्होंने कहाँ जवाब अब देने। तो नए सवाल हमारे दिमाग में बन गए हैं, लेकिन ये है कि हसल बसल है सेट पे और कुछ सितारे आ चुके हैं, कुछ आने वाले हैं। यहाँ पे मेरे पास तुमों की पूरी कास्ट, ना सिर्फ ये कि लीड कास्ट बल्कि जो सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, सारे एक्ट्रेसेस सब मौजूद हैं। और गो के बाहर 11 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन बट साहब जो है वो पंखा झल रहे हैं अपने आप को और कुछ कुछ पढ़ रहे हैं अपने मुंह में। आयतल आयतल कुर्सी नेवर अ डल मोमेंट व्हेन अहमद अराउंड। तो अब ये है कि हम कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा लोगों से बात कर सकें करें। कुछ सवाल, आमना ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पिक किया है। जी, सवाल ये है कि अगर आप दानिश होते, हसन आप भी जवाब दे दें वैसे इस चीज़ का। मैं तो बहुत बार दे चुका हूँ इस बात सवाल का जवाब, सवाल पूछ। अगर आप दानिश होते तो क्या आप महविश जैसी बीवी को माफ़ कर सकते? सवाल ही नहीं पैदा होता। मैं तो कह चुका हूँ ऑन रिकॉर्ड हमारे वीकेंड इन रिव्यूज़ में कि मैं बिल्कुल भी माफ़ ना करता। और अगर मैं भी दानिश होती तो मैं भी ना करती। और अगर किसी का मियाँ ऐसी हरकत करता है उसको भी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, ये अगेन जेंडर, खैर इस दिन लंबी डिबेट, लेट्स नॉट गो इनटू दैट डिबेट, बट ये जेंडर स्पेसिफिक बात नहीं है। Around you can see lots of people here and let's wait for the car. Let's just say that this is going to be a fun night. Right? Absolutely. हम हैं इस वक्त उस जगह पे जहाँ पे मेरे पास तुमो की फिनाले एपिसोड की जगह एक स्पेशल शो शूट हो रहा है। एब्सोल्युटली, जो कि बड़ा ज़रूरी है क्योंकि लोगों के बहुत से सवाल आते हैं जो आई एम श्योर आज इनके जवाब मिल जाएंगे। हमारी वीडियो इस वक्त जो आप देख रहे हैं सैटरडे 8 PM शुरू हुई है, इसी वक्त ARY पे वो शो चल रहा है जिसकी रिकॉर्डिंग पे हम अभी मौजूद हैं। एंड वी हैव विद अस, ओह यस, मी, क्यूटेस्ट कैरेक्टर फ्रॉम द कास्ट। Sheesh, hello Sheesh. Hello. Sheesh, you've never thanked something hot for all the thousands and thousands of subscribers you got after our interview. Thank you. मैंने दूसरे interviews भी किए। हाँ. Thank you. Thank you. अच्छा, उनको he's very diplomatic and he's adorable child. और अभी अहमद ने इनको दिए advice के और ना sign करना manager के बगैर। मेरे ख्याल में मुझे और आमना में से किसी को choose कर लो। अच्छा बताओ, how's your experience been so far? अब तो खत्म होने वाला drama. अच्छा था, लेकिन मैं सैड होऊंगा क्योंकि फिर दूसरे इनसे मैं मिलूंगा नहीं। मैं भी बट हमने देखा आपकी तस्वीरें आ रही हैं कुछ और एक्टर्स और डायरेक्टर्स के साथ, तो क्या सीन है? मैं वेब सीरीज कर रहा हूँ लेकिन मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा। तो वो जो हमारे इंटरव्यू में आपने कहा था कि अब एक्टिंग शैक्टिंग और नहीं, तो हैव यू चेंज योर माइंड नाउ? चेंज नहीं किया, पापा क्लास में करा रहे हैं। तो विंटर में तुमने एक वो करना था, यू सेड के फन कोई गेम शो है, वो नहीं कर रहे अब? साइंस शो? हाँ, नहीं, वो मुझे वो थर्ड वाला वो कर रहे थे ना, मुझे वो
वो मेन कैरेक्टर के साथ नहीं बनाया था, बस एक उसके एपिसोड में आना था तो इसलिए मैं नहीं करा था। अच्छा आमना, यू रिमेम्बर ना जब हमने शीज का इंटरव्यू किया था अपना समथिंग हॉट के लिए, तो ही सेड के एक बड़ा कोई सरप्राइज है जो मैं बिल्कुल स्पॉइलर है, मैं रिवील नहीं कर सकता। तो मुझे ये बताओ कि फाइनल एपिसोड में बगैर रिवील किए एक मेजर स्पॉइलर है या नहीं है, या वो हो चुका है जो तुमने कहा मेजर स्पॉइलर है? तुम्हारा स्पॉइलर है? वो इतना तेज बच्चा है, खुदा की कसम वो एक लफ्ज नहीं कहता, आप पे गया वो। है या नहीं है ये बता दो, है या नहीं स्पॉइलर? है। इधर आए जी, इधर आए, आपसे आपसे हमने बात करनी। We have with us Musaddiq, who's playing Monty in मेरे पास तुम हो, and Alif में आपके character का क्या नाम है? दाऊद। दाऊद। Musaddiq, सबसे पहले बात है कि जो पिछले episode में एक dialogue था कि शादी में तलाक होती है, मोहब्बत में तलाक नहीं होती। What did you feel about that dialogue? It was the first time I had that dialogue in my hand. It was like जब हम लोगों को पूरा script मिला था, खलील साहब ने आखिरी तीन episodes नहीं दी थी, वो बाद में आई थी, और आखिरी तीन episodes में ये dialogue था, और मैं वो डायलॉग लेके फिर रहा था कि ये मैं किस तरह बोलूँगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, दिस इज़ अनदर सीन विद हुमायूं सईद विच इज़ इन द लास्ट एपिसोड, दैट सीन, इट वाज अ सिक्स पेज लॉन्ग सीन विद हुमायूं सईद, टू डायलॉग्स, और सारे डायलॉग्स मेरे, और मैं एक के पास जा रहा हूँ कि ये मैं कैसे बोलूँगा। यानी अभी तुम और ज़्यादा फिलोसॉफिकल होने लगे हो फिनाले में। मेरा एक और सवाल है। नॉट रियली, वो बड़े सीधे सीन है। मोंटी जैसा कैरेक्टर जो है, जो इंतहाई ठरकी, इंतहाई तहजीब से गिरा हुआ, बगैरत आप कहना चाहते हैं, चले बगैरत, वो शादी के बाद क्या मत बदल जाते हैं ऐसे, या उनकी हरकत निकल जाती है? आई गेस बदलना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैं मोंटी हूँ, और हर मर्द मोंटी होता है शादी से पहले, और उसे होना चाहिए। और शादी के बाद आप कमिटेड हो जाते हो, और उसके बाद आप नहीं होते ठरकी, हर मर्द मोंटी होता है। इससे परेशानी की क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रही। लोग आप, अब जब आप सिंगल हो तो आप रेडी टू मिंगल हो, हाँ करोगे, और अगर आप जब सिंगल नहीं हो, लेकिन शादीशुदा औरत से तो ना करो ना। मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था। मैं, तू आरतियां उतार रहा था, तू मौका ढूंढ रहा था कि मुझे राखी बांध ले किसी तरह से। लेकिन फिर भी मेरी इंटेंशंस ये नहीं थी कि उसको छोड़ के मेरे पास आ जाए। आई वाज जस्ट अ फैन ऑफ हर, शी वाज प्रीटी, यू नो, शी वाज ब्यूटीफुल, दैट्स इट। अच्छा, आई जस्ट हैव टू टेल आवर व्यूअर्स दैट Musaddiq हियर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। Musaddiq वाज एक्चुअली आल्सो द एडी एट फॉर मेरे पास तुम हो। तो ये प्रॉबेबली वो बंदा है जो सबसे क्लोजली एसोसिएटेड रहा है मेरे पास तुम हो के साथ, ऑफ कैमरा एंड ऑन कैमरा एज वेल। तो मुझे बताओ कि अभी ये ख़त्म होने जा रही है जर्नी, तो कैसा अभी इमोशंस हैं, स्टेट ऑफ इमोशंस? आई डोंट नो, आई मीन इतना नहीं सोचा था कि इतना बड़ा हो जाएगा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टच वुड, बट बड़ा हो गया, और अब आई एम हैप्पी। आई एम जस्ट हैप्पी फॉर पाकिस्तानी ड्रामाज, बिकॉज आई सॉ पीपल neglecting the fact that how big the Pakistani drama is, and log ab baat karte the because film aa gayi thi, to everyone was like ki ha, you know, wo film kar raha hai, wo film kar raha hai, to wo ek mark ban gaya tha ki jo acha actor hai ya jo acha bada actor hai wo film hi karega. Ab people are rethinking and their faith has been restored in dramas, that's the best part for me, I'm so happy for that. Perfect. aap Musaddiq ko dekh rahe hain Alif mein as Daud, to hum Musaddiq kyunki aap bade busy ho gaye hain, to hum inse time leke Alif ke bare mein alag se inse इनसे बात करेंगे कौन से, ठीक है? ऑल द बेस्ट मैन। आपका अगर आप उस तरफ बैठना चाहेंगे या ऐसे? अच्छा, मैं तुम लोगों की वैसे वो देख रहा हूँ, तो जो तुम लोग अपनी कंस्पिरेसी थ्योरीज मार रहे होते हो ना, अच्छा ये क्यों किया इसने, मैं बताती हूँ क्यों किया। लो जी, अभी तो वो झूठी के साथ होने वाला है, उसके बारे में क्या तासुरात हैं आपके? यार मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। और अच्छा, मैंने तुझे कहा, तूने कहा कि दानिश और तो आपके कैरेक्टर में क्या सिमिलैरिटी, मैंने कहा 2%, और वो हेडलाइन क्या आई हुई है कि दानिश का कैरेक्टर सिमिलर है। मैं कहा यार ये कब हुआ है? है, आपने कहा ना ये अच्छी सिमिलर इस तरह है कि भाई दोनों शादीशुदा हैं, और उसके बाद 2% से ज़्यादा पैसे, ख़त्म, और कोई सिमिलैरिटी नहीं है। सीरियस सवाल पूछूंगी अहमद, एज समबडी, नहीं पाकिस्तान का सबसे नहीं, सबसे बड़ा मसला नहीं, एज समबडी हु डज कॉमेडी वेरी वेरी वेल, आपको क्या लगता है कि क्लाइमेट बहुत सेंसिटिव नहीं हो गया, आप कॉमेडी करनी कितनी मुश्किल हो गई है, हर चीज़ को पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहिए, हर चीज़ को हर एक की मिजाज को गया, नहीं ऐसा नहीं है? नहीं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी अ कॉमेडियन, बिकॉज वो नहीं होता कि अब आपको पता लग चुका है, नोबडी इज, पहले आप होता था किसी चीज़ के ऊपर जाके रिसर्च करते थे, अच्छा यार इसके ऊपर मैं बोलूँ या ना बोलूँ, अब हर बंदा हर चीज़ पर अफेंड हो रहा है, सो यू डोंट केयर एनी मोर, सो यू आर लाइक अच्छा अब मैं जो मर्जी चाहे बोलूँ, बिकॉज मैं आई कैन नॉट बी मतलब केयरफुल एनी मोर, इन अ सेंस कि एवरीबडी, यू कैन नॉट मेक एवरीबडी हैप्पी,
कोई नो गो एरियाज हैं? हमें पता है कि नो गो एरियाज होते हैं जब आप अगर आप बाहर की कॉमेडी देखें तो उनके पास मतलब सबसे बड़ा जो है वो सेक्स, रिलीजन और कास्ट, इसके ऊपर वो मतलब वो फन करते हैं. हमारे पास ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, हम इसकी कॉमेडी नहीं कर सकते. कर लेते हैं लेकिन बाकी ड्रामों की कास्ट पे कर सकते हैं. गुड वन, गुड वन. अब आपको मालूम हुआ ये ब्लॉग क्यों चलाते हैं. एनीवे, तो कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग हमारे लिए ऑफलाइन होती हैं, लेकिन आई थिंक कॉमेडी के लिए बड़ा अच्छा ये टाइम है बिकॉज द ओनली पर्सन दैट यू कैन अफेंड इज योर सेल्फ. सो अगर आप अपने साथ ठीक हैं बाकी खैर. तो मुझे ये बताएं कि आज जो मेरे पास तुमों के स्पेशल ये शो रिकॉर्ड हो रहा है, आपका तो मेरे पास तुमों से वैसे कोई लेना देना नहीं है, तो ये हमारी हेडलाइन की वजह से नहीं हुआ कि आपके नासिर और दानिश में कोई सिमिलैरिटी है तो आपको ये गिग मिल गई? असल में जब ये ड्रामा बन रहा था, मैं और नदीम वी टॉक ऑन डेली बेसिस, तो मैं डे वन से मैं नदीम के साथ ना थीसिस हम लोग कर रहे होते थे. जैसे एपिसोड ख़त्म हुई मैं कहता अच्छा ये तो आई गेस जब उन्होंने ख़त्म किया तो उन्होंने कहा अच्छा यार बट वाहिद है जिसने स्टार्टिंग से ये देखा है. तो आई थिंक दे वर काइंड इनफ टू आस्क मी टू होस्ट इट. और उन्होंने कहा देखो किसी की बेइज्जती नहीं करनी. मैंने कहा आपने तो किसी की इज्जत छोड़ी नहीं इसमें. तो बेइज्जती क्या के आर क्यों हैं आज यार? ये कुछ मैं बता नहीं सकता अभी, ये कुछ मिस्ट्री होनी चाहिए. वॉचिंग द क्वेश्चंस यू आस्क हिम, उसमें हिंट हो सकती है. हिंट हिंट हिंट. अच्छा ये बताएं कि अब मेरे पास तुमो ख़त्म हो रहा है, झूठी शुरू होने वाला है, टीजर्स आने शुरू हो गए हैं, इस झूठी गोइंग टू बी रिप्लेसिंग मेरे पास तुमो? हाँ आई थिंक टाइम वाइज तो वही करने लगे हैं लोग रिप्लेस. मगर देखिए ये ड्रामा एक अपना एक फिनोमेना बना है और आई थिंक इट्स अ बिग बिग एग्जाम्पल जो इसने अपनी सेट की है. तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम. नो बट इस झूठी लाइक इज गोइंग टू रिप्लेस मेरे पास तुमो इन द टाइम स्लॉट? आई थिंक सो. टाइम स्लॉट अभी हमें भी नहीं पता, मगर आई थिंक अगर करेंगे तो वही बनेगा. मगर मुझे अभी पता नहीं कि कौन से टाइम स्लॉट पे करने लगे. मेरे पास तुमो का फेवरेट कैरेक्टर आपका कौन सा है? हाँ ये बड़ा अच्छा सवाल है. देखिए सबका रूमी है, रूमी ऑफ कोर्स इज देयर एंड ऑल दैट. मगर अच्छा बड़ों में बता. बड़ों में अगर मैं कहा तो अगर आप देखें तो दीवान साहब जो है ना सारे जड़ जो है ना अच्छा खासा जा रहा था. दीवान साहब ने ना का ठहर जा दस. अच्छा आमना आपने एक सवाल कहा था जो आप सबसे पूछेंगी कि देम एज पीपल वुड दे बी एबल टू फॉरगिव महविश? हां ये बताया कि अगर आप दानिश होते और महविश ने आपके साथ ऐसी हरकत की होती तो क्या आप महविश को माफ कर पाते? यार देखें बदला लेने वाले से माफ कर देने वाला बहुत बड़ा होता है. नहीं मैं वाकई इस चीज़ में बिलीव करता हूँ. मैं हाँ भुला ना पाता, लेकिन वो कहते हैं ना कि आप माफ़ कर देते हैं क्योंकि कई ऐसी चीज़ें होती हैं आप आपको लगता है आप नहीं मतलब सह पाओगे, लेकिन हमारे रिलीजन में ये इस चीज़ को कहा गया कि गुस्सा जो है वो वैसे ही आपकी हर डिसीजन को ब्लर कर देता है. तो ऑफकोर्स इन टाइम में भी मैं माफ़ कर देता उसको, लेकिन ये है कि फिर मगर वो नहीं होता कि रास्ते आपके अलग हो गए हैं. वो वही वाली बात है कि अपनाते ना माफ कर देते. हाँ अपनाता ना माफ कर देता. थैंक यू बद साहब. मैंने अभी तुझे माफ कर दिए. थैंक यू बद साहब, ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. सो ग्रेशियस. So, ji, right now, as you can see, we're with the very dashing Shehwaz. Hello, hello, how are you? Very well. Let's cut to the chase. You're the most dreaded man in Pakistan right now. However, aapke character ke saath jo hashar ho raha hai, bahut se log hain jo keh rahe hain ki this is not natural. Hamare khamas ka mulk mein mardon ke saath aisa nahi hota, wo kuch bhi kar lein. Do you agree with that? I don't, absolutely not, you know. One who
does good will get good. Right. जो बुरा करता है उसको बुरा मिलता है, यानी कि सही हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, ड्रामे में जो हो रहा है हो रहा है। एक सवाल मैंने आपसे पूछना है, बहुत सारे हमारे व्यूवर्स ने ये पॉइंट रेज किया है कि शेवार तो काम करते थे माहम की कंपनी में, तो शेवार की कंपनी का नाम शेवार केमिकल्स कैसे हो गया? देखिए उसकी गुडविल है, शेवार ने बड़ी मेहनत की है, वो गुडविल नहीं जा सकती कहीं भी, ठीक है चेयरपर्सन वो हो गई है मगर गुडविल तो वही रहेगी ना यार, वो नाम तो नहीं चेंज हो सकता ना। एक सवाल आमना सारी कास्ट से पूछ रही है और हम आपसे भी पूछना चाहेंगे, अगर आप दानिश की जगह होते आप महविश को माफ करते या नहीं? ये तो खलील साहब से पूछे, वो क्या लिखते वही लिखता वही ना करता। यू एज अदनान, एज अदनान, हाँ मैं कर देता, मैं माफ कर देता, माफ करके एक्सेप्ट कर लेते वापस जिंदगी में, मेरे ख्याल में हलाला करके कर लेते। गुड वन, कर लेते बिल्कुल। अभी आपका ये दिल मेरा भी आ रहा है ऑफ कोर्स, और इतनी पावरफुल परफॉर्मेंस है उसमें, उसके लिए आई थिंक क्योंकि आपको बुला रहे हैं तो सेपरेटली एक इंटरव्यू आपके साथ ड्यू है, ड्यू है, बिल्कुल ड्यू है, मगर वो भी एक बड़ा मुश्किल कैरेक्टर है, बड़ा खतरनाक कैरेक्टर है वो, तो मतलब अगर ये तो एक बैड बॉय था, ही इज वेरी बैड बैड। हाँ जी, वो आपने पिछले एपिसोड में कुछ गोलियां चलाई है ना, उसके बारे में हमने करनी है आपसे बात। बिल्कुल जी, एक गोलियां नहीं उसमें बड़ी गोलियां है, ठीक है ना, दिस एंड टेक। अस्सलाम वालेकुम बेग साहब। वालेकुम अस्सलाम। फिनाले आ रहा है मेरे पास तुमों का जी, मैंने तो आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना, आमना के पास दो तीन है, हैप्पी एंडिंग होगी या सैड एंडिंग? एक एंडिंग होगी जो लोगों को लोगों के लिए ज़रा सी अनएक्सपेक्टेड होगी, यानी हैप्पी और सैड के अलावा भी कोई अलावा भी हो सकती है, लाइफ इज़ इन द ग्रे मोस्टली, सो लाइफ इज़ एक्चुअली बिटवीन हैप्पीनेस एंड द ग्रीफ, सो कुछ ऐसे ही होगा। अच्छा नदीम, बड़ा सीरियस सवाल है मेरा आपसे कि यू आर वन ऑफ द कंट्रीज बेस्ट डायरेक्टर्स, वन ऑफ द, क्या यू आर द बेस्ट डायरेक्टर इन द कंट्री राइट नाउ, मोस्ट कॉवेटेड, हर एक्टर आपके साथ काम करना चाहता है। जब आप एक ऐसी स्क्रिप्ट लेते हैं, ऑफ कोर्स इट्स अ ग्रेट स्क्रिप्ट, बट जब राइटर ओवरशैडो करता है या उनके इंटरव्यूज ओवरशैडो करते हैं और लोग उनको कास्ट कर देते हैं कि मिसोजिनिस्ट हैं या शोविनिस्ट हैं, बिकॉज ये बहुत बड़ा इशू उठा है थ्रू आउट मेरे पास उमो डिस्पाइट द पॉपुलैरिटी, डू यू थिंक के आर्ट को आर्टिस्ट से अलग करना चाहिए या डज इट इन्फ्लुएंस, या आप परेशान होते हैं कि यार मैं फंस गया ये करके, ऐसे डायलॉग्स हैं मैं इनको मॉडिफाई करा दूँ या ना कराऊँ, मतलब आपकी अपनी कोई से उसमें होती है या डू यू जस्ट गो विद द विजन ऑफ द राइटर? बिकॉज अनफॉर्चुनेटली खलीलुर रहमान कमर ने कुछ इंटरव्यूज ऐसे दिए जिसमें लोगों को बहुत प्रॉब्लम था, वाज दैट अ प्रॉब्लम फॉर यू एट ऑल? उनके इंटरव्यूज मुझे लगा कि इट वाज अ प्रॉब्लम फॉर मी आल्सो लाइक एवरीवन एल्स, लेकिन जहाँ तक उनके स्क्रिप्ट का ताल्लुक है, उनके स्क्रिप्ट, इस स्क्रिप्ट की एक थीसिस है, इस थीसिस को आप कहीं ग्रे में नहीं लेके जा सकते, इसको यू हैव टू फॉलो द लाइन, इवन अगर खलील साहब के अलावा कोई और भी लिख रहा होता उसको भी इस स्क्रिप्ट की लाइन को ऐसे ही फॉलो करना पड़ता कि महविश का ये कैरेक्टर है, दैट्स व्हाट शी डिड, दैट्स अदनान्स कैरेक्टर एंड दिस इज़ हुमायूंस कैरेक्टर एंड दिस इज़ सवेरास कैरेक्टर, सो जो डाइकॉटमी है इन चार कैरेक्टर्स की, जिसमें एक औरत है जो अपने मियाँ को माफ़ नहीं कर रही और एक तरफ एक मर्द है जो अपनी बीवी को माफ़ नहीं कर रहा, सो मुझे यूँ लगता है कि इसकी क्राफ्ट में कोई ऐसा फ्लॉ नहीं है, क्राफ्ट में फ्लॉ नहीं है। ये तो मैं रीएस्टैब्लिश करती हूँ कि इट इज़ अ फैंटास्टिक स्क्रिप्ट एंड देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन एंड हिज आर्ट, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं आजकल में कि नहीं? मेरा ख्याल है कि अगर मैं खलील साहब के साथ, अब आई विल गिव यू एन एग्जांपल दैट माइट यू नो बी द आंसर, मैं खलील साहब के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, लंदन नहीं जाऊँगा, उसमें उन्होंने कुछ सीन ऐसे लिखे हैं जो मैंने उनको कहा है कि आई डोंट अग्री विद दीज सीन्स खलील साहब, और आपको पता है कि मुझे कैसे पता चल रहा है कि आई डोंट अग्री विद दिस, बिकॉज आई डोंट नो हाउ टू डायरेक्ट इट, इफ आई एम नॉट कन्विंस्ड आई विल नॉट बी एबल टू direct the actor or plan this whole sequence, so you have to change it.
he fought with me and I fought with him and he fought with me and I fought with him. So it just went on. This happened in Mere Paas Tum Ho also. Aakhri ke kuch episodes mein, we had an argument. We didn't fight much, but we had an argument. And jiske upar kuch cheezein thiin jo ki unhone revisit ki. और फिर हम उसको क्लाइमेक्स तक लेके गए. तो आर्ग्यूमेंट होता है, डिसएग्रीमेंट होता है खलील साहब के साथ. इसलिए ज़्यादा हो जाता है समटाइम्स क्योंकि खलील साहब जब लिख रहे होते हैं तो वो बताते नहीं हैं कि वो क्या लिखने वाले हैं. वो जब आ जाता है तो फिर आपके जहन में एक क्वेश्चन रेज होता है, जो बहुत कम होता है वैसे उनके स्क्रिप्ट में. ये टिल द 15th एपिसोड, 16th एपिसोड, वी हैड नो इश्यूज़ विद द स्क्रिप्ट. उसके आगे भी नहीं था, लेकिन फिर हम डिस्कस करके, because he was writing. Sir, ye jo arguments hue the, ye jeeta kaun hai, aap ya wo? Dekho, whoever convinces. Khalil sahab is not a rigid man that way. He is, wo apni argument mein bahut pakke hain, lekin agar mujhe lagta hai ki ye argument theek nahi hai to phir hum uske upar behas karte rehte hain. Eventually jiska argument samajh mein aa jata hai, is mamle mein wo bahut khule dil ke hain, wo agree kar lete hain कि नहीं अच्छा ठीक है तुम ऐसे कह रहे हो तो फिर ऐसे कर लेते हैं. बहुत कम होता है. आई एम नॉट टेकिंग द क्रेडिट ऑफ हिज स्क्रीन प्ले और द स्क्रिप्ट, बट इट्स अ प्रोसेस दैट वी गो थ्रू. खलील साहब के साथ बहुत कम ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में जाएं, क्योंकि वो ज़्यादातर मेलो ड्रामा नहीं लिखते. ये उनके स्क्रिप्ट की सबसे बड़ी खूबी है. वो सिचुएशंस जिसके ऊपर कोई राइटर बहुत ड्रामा क्रिएट करेगा, खलील साहब एक साइडवेज साइड का रास्ता लेके एक और तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर जाते हैं. जैसे वो सिचुएशन जिसमें मैविश जा रही है और वो डिसाइड कर चुकी है कि वो जा रही है, और वो इतना उसमें मेलोड्रामा तो बिल्कुल भी नहीं है. सो आई थिंक दैट्स हिज क्लास ऑफ राइटिंग. सर फाइनल सवाल ऑन अ लाइटर नोट, बट नॉट सो लाइटर नोट, कोई ना कोई डेथ होने वाली है फाइनल एपिसोड? ये नहीं मैं पूछ रहा किसकी, बट हो रही है या नहीं? यार अभी तक वो मैंने सीन एक्साइटेड है. मैंने सिर्फ आपसे एक सवाल पूछना है. अच्छा आप पूछें. हुमायूं सईद, सोच के अपने आप को जवाब दें, क्या आप महविश को माफ करते? एज हुमायूं नॉट डन. मैं कहती हूं माफ करने का मतलब है माफ और एक्सेप्ट बैक इन योर लाइफ. कैन यू लव अ वुमन हु हैज बिट्रेड यू सो टेरिबली? एज हुमायूं, हां एज हुमायूं, नॉट एज दानिश. पता है मैं उसको माफ कर देता, मैं माफ कर भी चुका हूं, मैं शायद उसके साथ रह नहीं सकता था. हाँ. अपनाते नहीं माफ जरूर. मैं मतलब वो इतनी तकलीफ मुझे भी लगता है मेरी है ही नहीं, जब जिस तरह वो छोड़ के गई थी. हुमायूं सईद को ऐसे लगता, मैं उसको माफ कर देता, उसका ख्याल रखता, चाहे उसको कोई तकलीफ ना पहुंचे, मैं इस तरीके से उसका ख्याल रखता. और मेरी कोशिश होती कि जो भी है ये जहाँ भी रहे खुश रहे, बट मैं इसके साथ नहीं रह सकूंगा. हुमायूं आप अल्टरनेट कर रहे हैं, एक साल आप फिल्में करते हैं, एक साल ड्रामे करते हैं, तो अब 2020 में आप दो फिल्म्स आ रही हैं आपकी, तो अब ड्रामा और नहीं आप करेंगे इस साल? मैं इस साल नहीं कर पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं होगा, लेकिन मतलब इस साल से मतलब 2020 में, लेकिन 2021 में मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं एक ड्रामा करूँगा. फिर हाँ फिर फिल्म के लिए टाइम नहीं बचता. अच्छा मैंने एक सवाल जल्दी से ये पूछना है कि बहुत सारी स्पेकुलेशन हो रही है फिनाले की, हैप्पी एंडिंग होगी या सैड एंडिंग होगी, और ये बताएं पूछूंगा नहीं मरेगा कौन या किसी ने मरना है या नहीं किसी कैरेक्टर ने? यार देखें मैं इतना आप लोगों ने इसमें दुख देखा है इस ड्रामे में, तो जो ऑडियंस है वो डिज़र्व करती है इसमें हैप्पी एंडिंग. मगर मैं आपको सच बात बताऊँ, कुछ अभी पता नहीं है, हमने 3 एंडिंग्स रिकॉर्ड किए हैं. मैं झूठ नहीं बोल रहा अभी हमने. आप कभी नहीं झूठ बोलते. हाँ लेकिन देखते हैं कि हम 25 तारीख को लगाएंगे कौन सी एंडिंग. तो तीनों में से कोई हैप्पी एंडिंग भी है और सैड भी है? बिल्कुल है, सैड है, एक सैड भी है. और वो मरना वरना तो क्या है? क्या
हो सकता है मार दिया तो क्या होगा ज्यादा से ज्यादा? हाँ क्या होगा, वो छुट्टी हो जाएगी अगले दिन क्या होगा? तो आपको क्या लगता है दानिश मर जाएगा? नहीं, मुझे तो लगता है अल्लाह करे कि कोई भी ना मरे, लेकिन बहुत सारे आपके जो व्यूअर्स हैं उनको शायद लग रहा है, क्योंकि खलील साहब की हिस्ट्री को देखते हुए वो कह रहे हैं कि लीड कैरेक्टर को अक्सर वो मार, लेकिन हर कहानी वो तो कहानी के हिसाब से होता है ना कि इस कहानी में क्या रिक्वायर्ड है, क्या हो सकता है, तो हर कहानी का अलग एंड होता है उनका। हर एक में तो नहीं मरता कोई कैरेक्टर, प्यारे फजल में मारा था शायद उसी, और सत के तुम्हारे में मायरा का कैरेक्टर, वो मर गई थी मायरा जी। हाँ तो क्योंकि वो उनकी असली कहानी थी तो उसमें मर गई थी वो। यहाँ तो ये अगर किसी की असली कहानी भी है तो उनमें से कोई मरा नहीं है अब तक। हाँ अभी तक जिंदा है। तो ये जो आज आप लोगों ने एक शौक दिया कि फिनाले को आज नहीं ऑन एयर किया आपने, एक हफ्ते का और वेट करा दिया फैंस को, तो उन फैंस के लिए क्या मैसेज है? भाई उन फैंस के लिए मैसेज है कि हमें ज़रा सा प्रिपेयर करना था, कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि ऐसे हम सिनेमा में भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, तो 25 तारीख को ये टीवी पे तो लगेगा ही, उसके साथ साथ सिनेमा में भी लगेगा। अच्छा इससे पहले बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि ये इससे पहले भी प्यारे अफजल भी लगा है, मगर प्यारे अफजल सिर्फ एक स्क्रीन पर लगा था और वो उसमें हम भी गए थे और कुछ लोग भी आए थे, मगर ये जो सीरियल है ये वर्ल्ड वाइड लग रहा है अभी मुझे, अमेरिका नेशन वाइड। हाँ हाँ वर्ल्ड वाइड भी हो रहा है, क्योंकि मुझे अभी कॉल आई है डैलस और ह्यूस्टन में और लंदन से, तो अभी हमने देखना है ऐसे एक हफ्ते के अंदर कि हम उनको डीसीपी वहाँ भेज सकते हैं कि नहीं, वहाँ पे सेंसर करवाने के लिए इतना टाइम है कि नहीं, अदरवाइज़ ये नेशन वाइड तो लग रहा है, ये वर्ल्ड वाइड भी लगेगा। फैंटास्टिक न्यूज़ फॉर ऑल दोज पीपल इन अदर कंट्रीज, थैंक यू मायू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। Well deserved applause and well deserved appreciation. Great to meet the cast and the crew. एक मसला, sorry, आपकी बात काट रहा हूँ हमेशा की तरह। आयजा ने हमें आज भी इंटरव्यू नहीं दिया। जी आज नहीं दिया उन्होंने, मैं हर बहुत जल्दी में थी, कहीं जाना था उनको, उनकी बर्थडे है आज अपेरेंटली। ओके ओके ओके, उन्होंने सेट पे अनाउंस नहीं किया तो ऑब्वियसली हमें नहीं पता, बट होपफुली अब जब खत्म हो जाएगा तो हम उनसे बात कर लेंगे। वादा उन्होंने हमें ज़रूर किया है कि जी वो हमें इंटरव्यू तो देंगी जल्दी, होपफुली उम्मीद हम ये करते हैं कि इसका जो अब प्रेमियर होगा फिनाले का नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह सैटरडे को, क्योंकि उम्मीद है कि हम दोनों अटेंड करेंगे रेड कार्पेट। जी करेंगे, लेकिन हसन जैसे आपको मालूम है रेड कार्पेट पे रेयरली किसी से बात हो सकती है। अब मेरे ख्याल है कि मेरे पास तुम हो के फिनाले के बाद अगर आयजा से हम मुलाकात करेंगे तो थोड़ा सा हक के बारे में लेकिन कोशिश ज़रूर करेंगे कि उस दिन हमारी उनसे मुलाकात हो और कुछ बात हो। फिनाले के बारे में आज हमने जैसे आप लोगों ने देखा सबसे बात की है, अभी तक हमें कोई समझ नहीं आई कि हैप्पी एंडिंग होगी या सैड एंडिंग। उन्होंने बड़े फेक किस्म के वो भी किए थे, शशके छोड़े थे बीच में, कहरा का सुसाइड कर लेगी और वो काटो काटो जो बड़ी इन्होंने एक्टिंग प्रिपेयर करके आए थे, सो बड़ा अनडिसाइडेड, वी डोंट नो कि क्या होने वाला है। नहीं हमारे साथ जो कॉन्वर्सेशंस हुई हैं हुमायूं की, एब्सोल्युटली उसमें भी उन्होंने कोई खास रिवील नहीं किया। खास क्या, बिल्कुल कुछ रिवील नहीं किया उन्होंने। हाँ तो हमें कोई आइडिया नहीं है कि कोई डेथ होगी या नहीं होगी। पीछे से हीरा गुजर नहीं है और वो ये कहते हुए जा रही है हाँ हाँ मेरा कैरेक्टर जो है वो मर जाएगा, लेकिन बट वी डोंट बिलीव, नो वी डोंट बिलीव इट, वी डोंट बिलीव इट। तो इसका सलूशन यही है कि हम आप सब मिलके फिनाले देखें जो कि 25 जनवरी को आ रहा है। अगर आप लोग उसे बड़ी स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं तो देख सकते हैं, लाहौर कराची इस्लामाबाद के सारे सिनेमाज में वो लग रहा है। हमें आज ये भी हुमायूं ने रिवील किया है कि जो बाहर अमेरिका में है या यूरोप में है वो भी शायद इसको सिनेमा में देख सकेंगे। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर द फिनाले एंड टू अस एज़ वेल। एब्सोल्युटली वी विल लुक फॉरवर्ड टू इट, लेट्स होप हमारे ज़्यादा आंसू ना निकलें।